Amazon पर आपका प्रोडक्ट कहीं खो गया है, फर्स्ट पेज पे तो छोड़ो, 10th पेज पर भी नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम है आपके कीवर्ड्स में। अगर आप सर्च रिजल्ट में दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बाढ़ आ जाए, तो अपने Amazon कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करिए। और ये आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखकर, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाई डिमांड कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स जिनसे रैपिड ग्रोथ मिल सकती है, उनको कैसे निकाल सकते हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, else फ्यूचर में आने वाले ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर, लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो Amazon कीवर्ड रिसर्च के लिए हम सेलर स्प्राइट टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सेलर स्प्राइट डैशबोर्ड में लॉगिन ले लेना है, एंड जब आप लॉगिन ले लेंगे तो उसके बाद आप टूल सेक्शन में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च का जो टैब है वो मिल जाएगा। आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है एंड उसके बाद जो कीवर्ड रिसर्च का पेज है, जो डैशबोर्ड है, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इस पूरे डैशबोर्ड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी समझाऊंगा कि क्या पैरामीटर क्या करता है और उसे आप कैसे लीवरेज ले सकते हैं। एंड दो तरीके समझाऊंगा कि अगर जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं या जो भी हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो कैसे निकालने हैं, एंड उसके बेसिस पे क्या आपको वो प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नहीं, वो देखेंगे हम पहले। एंड उसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहां पे जाके इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखोगे यहां पे हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अक्टूबर 2024 इज द लास्ट मंथ, हम नवंबर में है राइट नाउ। ठीक है, एंड इससे पहले आप देखेंगे कि 2022 तक का डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए हैं। प्रीसेट्स से यहाँ पे ये मतलब है, जैसे ये हाई डिमांड है तो वो कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है और ग्रोथ रेट हाई है। ठीक है, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी वो जो फिल्टर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सबमिट हो चुकी हैं। जैसे सर्चेस में आप देखोगे कि 100,000 सर्चेस का नंबर आ चुका है, सर्च ग्रोथ 10% की आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे सारे फिल्टर्स फिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो लास्ट 3 months में जिन कीवर्ड्स में राइज आया है, जिसमें ग्रोथ आई है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो मंथ ओवर मंथ सेल आप देखोगे यहाँ पे 10,000 का पैरामीटर सेलेक्ट किया गया है। मंथ ओवर मंथ जो रेट है पास 3 months का, वो 10% सेलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मुझे हाई डिमांड कीवर्ड्स चाहिए तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चाहिए तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर रैपिड ग्रोथ चाहिए कि सिर्फ लास्ट मंथ में किन कीवर्ड्स की वजह से ग्रोथ मिली है सेलर्स को, वो आप चूज कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम वाले अगर कीवर्ड्स देखने हैं तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द गुड पार्ट इज कि अगर आपके कुछ खुद पैरामीटर्स हैं जो आपने खुद सेट करे हैं तो उनको भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, एंड कस्टम के अंदर सेव करके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके सेव प्रीसेट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया कि कौन कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं, प्रीसेट्स कैसे सेव करने हैं, लेकिन इसके अलावा इन फिल्टर्स का मतलब क्या है वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको समझ आ गया तो आप इस कीवर्ड रिसर्च टूल को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कैटेगरी। आपकी अगर कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें आप सेल कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करके अपना रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। लेट सपोज होम एंड किचन है या हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, तो आप इनको सिलेक्ट करके इनके बेसिस पे सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले एक बार रीसेट कर देता हूँ फिल्टर्स, सो दैट यहाँ पे नंबर हट जाए और जो कि हट चुके हैं। ठीक है, तो यहां से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। अब आते हैं सर्चेस। ठीक है, तो सर्चेस इज लाइक बहुत सिंपल है कि एक मंथ में कितनी सर्चेस हुई हैं, तो हम वो चेक कर सकते हैं, जैसे लास्ट मंथ कितनी सर्चेस हुई हैं। तो अगर मान लो मुझे ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिन पे लास्ट मंथ 10,000 सर्चेस हुई हैं, तो आप वो नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज सर्चेस। सर्चेस का मतलब ये है कि लास्ट मंथ कितनी सर्चेस हुई हैं। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं, लेट सपोज उस पे 1,000 सर्चेस हुई हैं, तो आप यहाँ पे 1,000 मिनिमम सर्चेस डालेंगे, तो 1,000 एंड उससे अबव जितनी भी सर्चेस होंगी जब हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर्च नाउ पे, तो वो कीवर्ड्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सर्च ग्रोथ। तो लेट सपोज आप ये देखना चाहते हो ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं जो लास्ट मंथ 1000 सर्चेस हुए थे लेकिन अब उनमें 10% का ग्रोथ है, तो आप यहां पे 10 डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीवियस मंथ के जो अपग्रेडेशन है, जो उससे बेटर परसेंटेज है, वो जितना भी परसेंटेज आप सोच रहे हैं वो डाल के यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ईयर ओवर ईयर। सिमिलरली कि लेट सपोज अगर हम नवंबर में हम चूज कर रहे हैं कि हमें 10,000 सर्चेस हैं और उस पे 10% का ग्रोथ चाहिए, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्होंने 10,000 सर्चेस जिन पे हुई थी और उन पे 10% का ग्रोथ इस साल है,
ठीक है। सिमिलरली मंथ ओवर मंथ दिस इज द क्वार्टरली रिपोर्ट, जिसमें तीन महीने के पास थ्री मंथ्स का हम ग्रोथ सेट कर सकते हैं यहाँ परसेंटेज पे, एंड यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज न्यू सब मार्केट अपॉर्चुनिटी, अगर आप कोई न्यू निश आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली चेकबॉक्स पे टिक करेंगे तो वो आपको जो न्यू निश रिलेटेड है या जो न्यू मार्केट एक्टिव हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट साइकिल से ये मतलब है कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइकिल में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप पता कर सकते हैं कौन से कीवर्ड बेटर थे। तो अनलिमिटेड इज लाइक वो पूरा डेटाबेस कंसीडर कर लेगा, जनरल मार्केट की ठीक है नॉर्मली जो भी चल रहा है चल रहा है, सीजनल मार्केट पीक सीजन 1-3 मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कौन सा जो पीक सीजन था उसमें क्या कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट में अगर हम जैसे 10-12 जो लास्ट क्वार्टर है जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर होता है तो वो कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ग्रोइंग मार्केट है वो ये देखेगा कि कौन सा मार्केट ग्रो हो रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स दे देगा, एंड डिक्लाइनिंग मार्केट किसमें कीवर्ड डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है परचेजेस, तो परचेज बहुत सिंपल है कि कितनी हमारी सेल हुई है। तो लेट सपोज मैं ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना चाहता हूं जिनकी वजह से मेरे लास्ट मंथ 100 प्रोडक्ट्स बिके हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आप देखोगे परचेज रेट, तो मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लास्ट मंथ 100 बिके हैं लेकिन उनमें 10% का ग्रोथ आया, राइट। तो इस तरीके से आप इन सब पैरामीटर्स को ना कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज कर सकते हैं टू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, परचेज रेट में हमेशा 4-5% ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे बियॉन्ड जो कन्वर्जन रेट है, जो परचेज रेट है, वो बहुत रेयरली मिलता है। बट 4-5% भी अगर आपको मिल रहा है इट इज अ वेरी गुड नंबर। द नेक्स्ट इज क्लिक कंसंट्रेशन, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, काफी सारे सेलर स्प्राइट्स के वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं जिन्होंने डोमिनेंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो लेट सपोज आपको ये पता करना है कि कौन से ऐसे तीन सेलर हैं जिन्होंने क्या इस मार्केट में डोमिनेंस क्रिएट किया हुआ है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे मैक्स के अंदर 80 डाल देंगे। तो 80% मार्केट डोमिनेंस अगर किसी ने किया हुआ है जो तीन सेलर्स हैं उनकी लिस्ट नीचे मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे इस टाइप की चीजें ढूंढ रहे हैं जहां पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 20-30% डालें, 20 इज अ गुड नंबर। तो हमेशा यहाँ पे 20% डालें कि सो दैट मार्केट 20% ही ऑक्यूपाइड है, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है, किसी का भी मार्केट डोमिनेंस नहीं है, मोनोपोली नहीं है। नेक्स्ट इज रेटिंग्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसके प्रोडक्ट में रेटिंग्स में काफी फ्लक्चुएशन आया है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आप 4.2 से लेके 4.5 तक की ही रेटिंग डालें, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि लास्ट जो ग्रोथ आई है किसी प्रोडक्ट में वो रिव्यूज जो बढ़े हैं, जो रेटिंग्स बढ़े हैं, वो किन टाइप के कीवर्ड्स पे बढ़े हैं, किन टाइप के प्रोडक्ट्स पे बढ़े हैं, ठीक है। तो लास्ट इज कीवर्ड, तो लेट सपोज आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कीवर्ड के बारे में सर्च करना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई रियली वॉन्ट कि हम पहले ये देखें कि हमें कोई कीवर्ड्स अगर निकालने हैं तो एक बेसिक फिल्टरेशन प्रोसेस का यूज करके हम यहाँ पे कीवर्ड्स निकालते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे को ऐसा चाहिए कि मिनिमम 200 units बिके हों, 200 प्रोडक्ट सेल हुए हों लास्ट मंथ, एंड जैसे मैंने बोला कि परचेज रेट मुझे मिनिमम 3% तो चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद क्लिक कंसल्ट्रेशन, ऑब्वियसली मेरे को मार्केट डोमिनेंस नहीं चाहिए तो मैं 20% सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा हो जो 1000 rupees के मिनिमम इतना प्राइस तो हो उसका, एंड आई विल क्लिक ऑन सर्च नाउ। लेट सी कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन से कीवर्ड्स आते हैं। तो ये हमारा पैरामीटर रन हो चुका है इंडिया में लास्ट मंथ 2024 अक्टूबर में, ठीक है। ये पैरामीटर्स हमने अभी डाले थे, तो आप देखोगे कैंपस शूज, मोबाइल फोन, एडिडास ट्रॉली बैग्स, नाइकी लहंगा, टाइटन वॉचेस, शरारा सेट, एंड ये सब जो कीवर्ड्स आ गए हैं जिनमें इतना फ्लक्चुएशंस एंड सब चीजें हुई हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं क्लिक कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिसेंडिंग सिलेक्ट कर रहा हूं, तो गो करेंगे आपको दिख जाएगा कि 19% सबसे ज्यादा हमारा बेड क्वीन साइज में हुआ है। इसको हम असेंडिंग कर देते हैं, हम मिनिमम से देखते हैं, आप देखेंगे ओके जनसेया आई थिंक इट्स अ ब्रांड, मोची इज आल्सो अ ब्रांड, मोची में काफी चेंज आया है, स्नीकर शूज ये काफी सर्च हुए हैं जिसमें 7% कंसंट्रेशन है, एंड ऑब्वियसली मार्केट डोमिनेंस नहीं है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मंथली सर्चेज हैं उसकी हैं 8000+ और डेली सर्चेज हैं 292, परचेज रेट जो है वो है 3% पर मंथ, जो परचेज हैं 290 मतलब 290 प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं इसके पर मंथ, सर्च ग्रोथ 34% की ग्रोथ है इसमें, ठीक है। मंथ ओवर मंथ जो इंक्रीज है वो माइनस का आया है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे मंथ ओवर मंथ अगर मैं पिछले तीन महीने की बात करूं तो वहां पे ग्रोथ 53% कम हुई है, तो वो इस कीवर्ड की वजह से हुई है, स्नीकर शूज फॉर मेन। एक इंपॉर्टेंट टिप, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट की डिमांड घट गई है, इसका मतलब ये है स्नीकर शूज फॉर मेन एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे हो सकता है कंपटीशन बहुत हाई हो, इसकी वजह से जो सेलर्स हैं वो ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग्स में यूज ना कर रहे हो, इसलिए वो सर्च नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, तो ग्रोथ कम दिख रही है, तो -53%। तो ये सब जो इनसाइट्स हैं ये आपको निकालनी पड़ेंगी, और इसीलिए मैं आपको हमेशा एक सजेशन देता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें सो दैट मैं बीच बीच में
मैं वो टिप बताता हूँ, तो वो आप अपने वीडियो देखते वक्त नोट्स बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और अगर ऐसी टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। ओके, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर आपको स्नीकर भी बेचने हैं तो क्या स्कोप है इन कीवर्ड्स का, क्या कौन सा कीवर्ड की वजह से सेल बढ़ रही है, कौन से डाउन हो रही है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट के लिए भी आप कीवर्ड्स का यूज करके प्रोडक्ट फिगर आउट कर सकते हैं कि पहले मैं कीवर्ड्स देखूं कि क्या मार्केट में ग्रोथ की तरफ जा रहा है, कौन से राइज हो रहे हैं, एंड देन मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं। बट रिमेंबर, कीवर्ड रिसर्च सिर्फ एक पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, सप्लायर से नेगोशिएशंस करने हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने हैं और बिड्स कैलकुलेट करने हैं। बहुत बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत ही सारी चीजें हैं जो आपको अमेजॉन बिजनेस में कंसिडर करनी होती है। बट नो डाउट कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि लेट सपोज कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे इन्हीं पैरामीटर्स में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में देखना है, तो लेट सपोज मैं होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और आप सर्च नाउ कर दो। सिंपली आपको सिर्फ होम एंड किचन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आ जाएंगे। होम एंड किचन में आपको होम रिलेटेड आ रहे हैं, कैबिनेट्स आ रहे हैं, कॉट आ रहे हैं, ठीक है, वार्डरोब आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट जितने भी ये पैरामीटर्स हैं वो आपको समझ आने चाहिए, सो दैट आप उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से यूज कर पाए, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज मैं इसको अनचेक कर देता हूं इस कैटेगरी को, एंड मैं चाहता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसके कीवर्ड्स निकालना चाहता हूं। अब मैं अपने फिल्टर्स पे जो मैंने सिलेक्ट किए थे कि हमारा परचेज लास्ट मंथ 200 बिके हो, प्राइस 1000 के अंदर हो, परचेज रेट 3% हो एंड क्लिक कंसल्टेशन 20%, तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया कि पहले कीवर्ड्स फिगर आउट करके हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को फाइनल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं Amazon पे एंड जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम रीसेट कर लेते हैं एक बार फिल्टर, सो दैट सब क्लीन हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लेट सपोज योगा मैट्स बेच रहे हैं, तो मैं पहले सिर्फ योगा लिखता हूं। आई रियली वांट टू सी कि योगा से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, एंड सिंपली क्लिक ऑन सर्च नाउ। तो आप देखेंगे कि योगा से रिलेटेड बहुत कुछ आ गया है, योगा टॉप्स आ गया है, पैंट्स आ गया है, विमेन योगा पैंट्स आ गया, योगा से रिलेटेड बहुत कुछ आ गया है। तो हम देखेंगे यहां पे 411 कीवर्ड्स हैं जो आ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें सिर्फ मैट से मतलब है, तो हम योगा मैट्स ले लेते हैं एंड सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने योगा मैट्स से रिलेटेड सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो दिस द कीवर्ड जो योगा मैट से रिलेटेड है, तो 6 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो योगा मैट से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अगर हम क्लिक कंसंट्रेशन की भी बात करें तो इसको हम एक बार सॉर्ट करते हैं, एक बार डिसेंडिंग में सॉर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि 40% यहां पे डोमिनेंस है इन तीन ब्रांड्स का, ठीक है, 40। तो ऑब्वियसली मैंने हमेशा जैसे बताया क्लिक कंसंट्रेशन अगर 30% के ऊपर है तो उस मार्केट में एंटर नहीं करना है, तो ऑब्वियसली हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट है। बट ये एग्जांपल मैंने लर्निंग के लिए लिया था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप योगा मैट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स वो आप यहां पे देख सकते हैं। इन कीवर्ड्स को आप चाहें तो एक साथ सेव भी कर सकते हैं, लेट सपोज आप सारे कीवर्ड सेव करना चाहते हैं तो ऐड ऑल टू माय लिस्ट कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, लेट सपोज बाय योगा मैट, योगा मैट्स फॉर मेन, तो आप इन दोनों को भी ऐड टू माय लिस्ट में कर सकते हैं। इसको मैं अभी दिखाता हूं आपको। तो लेट सपोज मैं सारे कीवर्ड्स चाहता हूं, मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं क्योंकि इसको हम फ्यूचर वीडियोस में भी यूज करेंगे। तो आप ऐड टू ऑल माय लिस्ट करेंगे, यहां पे आप फोल्डर बना सकते हैं लाइक योगा मैट्स कीवर्ड्स, ठीक है, एंड सेव, आपका फोल्डर आ चुका है एंड चूज द फोल्डर एंड आपके कीवर्ड्स सेव हो चुके हैं, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर लेंगे कभी भी। एंड इसके अलावा अगर लेट सपोज आपको कंपैरिजन ही देखना है, तो लेट सपोज आपको बाय योगा मैट और योगा मैट्स फॉर मेन दोनों कीवर्ड्स को कंपेयर करना है, तो सिंपली दोनों कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए चेकबॉक्स से एंड कीवर्ड कंपैरिजन पे क्लिक किया और आपको इस तरीके से दोनों कीवर्ड्स का जो भी कंपैरिजन है वो दिख जाएगा। तो सर्चेस में क्या कंपैरिजन है, तो ब्लू वाला आप देख सकते हैं योगा मैट्स फॉर मेन ज्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है। इसकी अमेजॉन ब्रांड एनालिटिक्स रैंक भी आप यहां से देख सकते हैं, परचेजेस का चेंज देख सकते हैं, परचेज रेट पे जो डिफरेंशिएशन है वो देख सकते हैं, क्लिक कंसंट्रेशन देख सकते हैं। इसके अलावा लेट सपोज आप इसी सिर्फ पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में देखना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली व्यू सर्च ट्रेंड पे भी क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आपको मिल जाता है, क्लिक कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है, कन्वर्जन शेयर क्या है, ठीक है। पीपीसी बिड आपको मिल जाती है, कितना मिनिमम है, मैक्सिमम कितना गया है, ठीक है, सजेस्टेड बिड क्या है, तो ये आप विद टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो किस मंथ में कितना बिड मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। एंड देन द मार्केट एनालिसिस, तो यहाँ पे अभी कोई कोर डेटा नहीं है मार्केट एनालिसिस का, बट नीड नॉट टू वरी, मार्केट एनालिसिस पे मैंने बहुत ही डिटेल का एक वीडियो बनाया हुआ है एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक आउट। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिससे आप श्योरली Amazon पर रैंक हो जाएंगे। सेलर स्प्राइट टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड, लेकिन
लेकिन अगर आप पे टूल लेने का सोच रहे हैं तो अभी सेलर स्प्राइट का स्पेशल ऑफर आया हुआ है, जिसमें मंथली प्लान आपको सिर्फ $20 में एंड ईयरली प्लान आपको सिर्फ $199 में मिल जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त AM199 कोड यूज करना ना भूलें। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो जल्दी से जल्दी अवेल करें। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।